हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि आपको पता है, आपने टाइटल देखा है, आज का वीडियो होने वाला है कर्ली हेयर्स, वो भी हीटलेस। सो बिना कोई देरी किए स्टार्ट करते हैं हमारा ये वीडियो। सो फर्स्टली हम अपने हेयर्स को टू सेक्शंस में डिवाइड कर लेंगे। एंड ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि सेक्शन एकदम बराबर हो, अगर आपको बाहर जाना है तो करना है तो बात अलग है, बट अगर आप घर पे हो तो सेक्शन कैसा भी, जिगजैग या अदर भी आप कर सकते हो। इसके लिए आपको टूल चाहिएगा, वन कॉम्ब, टू हेयर बैंड्स एंड वन हेयर क्लिप। ओके, सो फर्स्टली आप क्लिप कोई भी ले सकते हैं, आप क्लिप बड़ा ले सकते हैं, छोटा जो आपको कंफर्टेबल लगे। तो आप फर्स्टली एक साइड को रोल अप करके आप ऊपर पैक कर लीजिए, क्योंकि ये सेकंड जो हेयर होगा उसमें आप अगर चोटी बनाते हैं तो आपको प्रॉब्लम ना करे बीच में, इसके लिए हम इसे पैक कर लेंगे। एंड उसके बाद हम दूसरी साइड जो हमने ली है उसमें चोटी बनाना स्टार्ट करेंगे। तो आप ये कभी भी कर सकते हैं, आप ये चोटी काफ़ी अच्छी लगती है, अगर आप डे में करते हैं एंड फुल डे कैरी करना चाहते हैं आप कर सकते हैं कैरी। एंड अगर आपको ओनली कर्ल्स के लिए चाहिए तो आप इवनिंग में रख सकते हैं। तो नॉर्मल रेड आपको करनी है, जो नॉर्मली चोटी बनाने के लिए हम करते हैं, बस ऊपर से स्टार्ट करनी है और दोनों साइड बनानी है। सो जल्दी से फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख रहे हैं मेरी दोनों चोटियाँ कंप्लीट हो चुकी हैं एंड ऊपर से इसकी काफ़ी अच्छी शेप आई है, जो कि मुझे पर्सनली बहुत पसंद है। अगर आप मुझे घर पे रहना था इसलिए मैंने टेम्परेरी की है, अगर आपको बाहर के लिए करना है तो आप क्लीन सेक्शंस कर सकते हैं इसके एंड क्लीन चोटी बना सकते हैं। एंड इफ यू आप घर पे हैं तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, कैसे भी बनाए बस कम्फर्टेबल होना चाहिए आपके लिए, आप इसे सो सके इसके साथ आराम से एंड फुल डे आप रह सकें। सो इसके साथ मैं आपको एक ब्यूटी टिप भी देना चाहती हूँ, जैसा कि हमारे बाल पीछे हैं तो इसके साथ हम
फ्री बैठे हैं तो कुछ कर भी सकते हैं। तो मैंने इसके लिए सिर्फ एक छोटा सा केला लिए, एक बार जितना केला हम इजीली ले सकते हैं, क्योंकि काफ़ी लोगों को अगर बोल लूँ तो काफ़ी का ये रहता है कि फ्रूट्स इतना हमारे पास फ्रूट नहीं है लगाने को, लेकिन एक बाइट हम ले सकते हैं, सिर्फ एक छोटा सा बाइट है जो कि काफ़ी लोग फेंक देते हैं। तो उतना लेके आप अपने फेस पे रब कीजिए और ये सीरियसली बहुत ही अच्छा है फेस के लिए। आप प्लीज़ एक बार यूज करके ज़रूर देखना, आपको काफ़ी पसंद आएगा। एंड आप इक्वली अपनी फुल फेस पे लगा सकते हैं और नेक पे भी लगा सकते हैं। मुझे काफ़ी पसंद है, मैं काफ़ी बार करना पसंद करती हूँ इसे। एंड ये चेहरे पे एकदम इंस्टेंट ग्लो लाता है और काफ़ी अच्छा चेहरा बनाता है, इवन टोन चेहरा बनाता है, क्योंकि अन इवन टोन चेहरा किसी को पसंद नहीं है, ऑफकोर्स सब हम देखते हैं। सो आप इसे अच्छे से हर जगह अच्छे से मसाज कीजिए एंड लगाइए। उसके बाद आपको इसे 10-15 मिनट छोड़ना होता है तकरीबन, एंड बस ये काफ़ी आपकी स्किन को टाइट करता है, ब्राइट करता है एंड जो डार्क सर्कल्स हैं उनको कम करता है। ये आप जब भी आप फ्री हो एक दो दिन में भी लगा सकते हो, काफ़ी लोग डेली भी लगाते हैं, लेकिन मैं पर्सनली डेली नहीं लगाती हूँ फेस पे कुछ भी ऐसा, क्योंकि कभी कभी होता है कि फेस को भी फ्री रहने का मन करता होगा ऑफकोर्स, जैसा कि मुझे लगता है। सो मैं एक दो दिन से अगर मूड किया तो, वरना वीकली भी पैक वगैरह वीकली ही यूज करती हूँ। बट अगर ऐसा कुछ फ्रूट वगैरह का हो तो एक दो दिन में, या कभी मूड हो तो लगाती हूँ। अदरवाइज आप अगर पैक एंड स्क्रब वगैरह करते हैं, आप प्लीज़ वीकली कीजिए, ज़्यादा स्किन को भी इतना आप परेशान करोगे वो उतनी ज़्यादा, आप स्क्रब वगैरह डेली कर रहे हैं वो बहुत गलत है। स्क्रब वीक में एक बार काफ़ी होता है, सो प्लीज़ मैं आपसे यही रिकमेंड करूँगी कि आप प्लीज़ वीक में एक बार ही करें, ज़्यादा ना करें। एंड उससे अच्छा फेशियल मसाज कीजिए किसी भी चीज़ से, जैसे बनाना से, पपाया भी काफ़ी अच्छा होता है। एंड आप ट्राई कर सकते हैं, अदर मैंने कोई फ्रूट ट्राई नहीं किया है, लेकिन बहुत छोटी क्वांटिटी में काफ़ी अच्छा ग्लो दे के जाते हैं, आप खुद देखना काफ़ी अच्छा ग्लो आएगा। जैसे केला काफ़ी स्लिपरी होता है तो ये गिर गया, लेकिन मेरा जो मुझे जितना काम था उतना हो चुका था, सो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। अगर थोड़े एक्स्ट्रा केले के जो पार्ट हैं वो लगे रहने दो, फेस पे कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। एंड ये आपकी बॉडी में अब्जॉर्व होके काफ़ी अच्छा रिफ्लेक्शन देते हैं, या आपके डार्क सर्कल्स के, डार्क स्पॉट जो हैं इन सब पे काफ़ी अच्छा काम करते हैं। प्लस ये फेस के आसपास जो डार्क हो जाता है उस पर काफ़ी अच्छा वर्क करते हैं, नेक पे काफ़ी अच्छा इसका रिजल्ट आता है। सो आप प्लीज़ इसे एक ट्राई दीजिए एंड आप इसे ज़रूर ट्राई करें। इसे सूखने दो एंड जैसे आपको लगे कि ये थोड़ा हल्का वो हो गया है, ड्राई हो गया है एंड काफ़ी स्किन टाइट हो गई है, क्योंकि ये स्किन को काफ़ी अच्छा टाइट करता है, उसके बाद आप फेस वॉश कर सकते हैं। एंड फेस वॉश के बाद का आप रिजल्ट मेरे फेस पे देख सकते हैं, काफ़ी अच्छा इसका रिजल्ट है, इसने स्किन को काफ़ी अच्छा टाइट किया एंड ग्लो, इंस्टेंट ग्लो ये देता है। तो गिव इट अ ट्राई। एंड ये नेक्स्ट मॉर्निंग की वीडियो अभी है, नेक्स्ट मॉर्निंग में मेरे बाल खतरनाक, आप बालों की हालत देख के समझ सकते हैं कि मुझे काफ़ी अच्छी नींद आई है और ये बहुत कंफर्टेबल है, बस बालों को नींद आई कि नहीं मुझे नहीं पता। एंड ये चोटियाँ काफ़ी क्यूट लग रही थी मुझे, एंड फिर मैं जैसे ही खोलती हूँ OMG ये रिजल्ट्स, मेरा हर टाइम का फेवरेट है ये चोटी वाला, हर टाइम मुझे जब भी कर्ली हेयर चाहिए होते हैं मैं यही करती हूँ। इंस्टेंट होता है तो बात अलग होता है, लेकिन जब मुझे पता होता है तो मैं नाइट में करके सोती हूँ, मस्त रिलैक्स होती हूँ एंड मॉर्निंग में कर्ल्स रेडी होती हैं। अगर आपको लेट के लिए चाहिए तो मॉर्निंग में बनाओ, ये चोटी तो काफ़ी फेमस है, मॉर्निंग में बनाओ एंड इवनिंग में ओपन करो, काफ़ी अच्छा रिजल्ट देते हैं ये तो। इनफैक्ट 4-5 घंटे में भी आपको अच्छा रिजल्ट दे देंगे। एंड ऑफकोर्स अगर आपको लॉन्ग टाइम के लिए चाहिए एंड आपके स्ट्रेट हेयर हैं, सिल्की हेयर हैं जो बहुत जल्दी स्ट्रेट हो जाते हैं, मेरे भी काफ़ी जल्दी स्ट्रेट हो जाते हैं, सो मुझे अभी कहीं बाहर नहीं जाना था इसलिए मैंने केमिकल यूज नहीं किया, लेकिन अगर आपको बाहर जाना और आपके हेयर आपको चाहिए तो आप इसके ऊपर हेयर स्प्रे कर सकते हो, सेटिंग स्प्रे, एंड वो लॉन्ग टाइम का होता है
तो लॉन्ग टाइम के लिए वो आपको बालों को होल्ड करके रखेगा एंड आपके कर्ल्स यू की यू बने रहेंगे सुबह से शाम तक, शाम से रात तक। एंड आप जहाँ भी जाएंगे एंजॉय करेंगे, सबके कॉम्प्लीमेंट्स आएंगे जरूर। मैं जब भी जाती हूँ ये बनाती हूँ, सबके कॉम्प्लीमेंट आता है कैसे बनाया, और जब भी मैं बताती हूँ सबको शौक होता है, हाँ रियली। सो गिव इट अ ट्राई, आप देख सकते हैं कितने अच्छे इसमें कर्ल्स आए हैं, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। एंड आपको कोई भी हेयर्स को डैमेज नहीं पहुंचाना है एंड कोई भी प्रोडक्ट खरीदना नहीं है इसके लिए। एंड प्लीज़ इस पर कॉम्ब बिल्कुल मत करना, क्योंकि ये खुल जाते हैं, फिर आपकी जो कर्ल्स जो हुए हैं वो काफ़ी पतले या छोटे हो जाएंगे। सो प्लीज़ डोंट कॉम्ब। एंड हाथ से आप हल्के हाथों से इसे जैसा आप हेयर स्टाइल जिस तरफ जिस साइड करना चाहते हो वहाँ इजीली कर सकते हो। एंड आप कर्ल्स का मैजिक देखिए, बस दैट्स ऑल। इसके बाद बस आप कर्ल्स को देखिए और कुछ देखने का आपका मन ही नहीं करेगा, अपने बालों से हाथ उठाने का मन नहीं करेगा। आप देख सकते हैं कितने प्यारे कर्ल्स आए हैं, और जितना आपको टाइट चाहिए उतना टाइट कर्ल कर सकते हैं। एंड आपको इससे कम टाइट चाहिए तो आप चोटी थोड़ी कम टाइट कर सकते हैं, वो आपकी चोटी पे डिपेंड करता है। एंड बस बाकी आपकी ओवरनाइट स्लिप पे डिपेंड करता है। अच्छी नींद लीजिए एंड बालों को एकदम पोषण दीजिए, तो ऑफ कोर्स बाल भी आपके लिए काफ़ी अच्छा दिखेंगे एंड आपको भी ऑफ कोर्स हैप्पीनेस होगी। सो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ मुझे बताइए, मैं आपके लिए ऐसे और भी वीडियोस लेके आऊँगी जो आपको पसंद हो या जिस कैटेगरी में आपको चाहिए। एंड इस टाइप के वीडियो हो, हेयर ट्यूटोरियल हो या फिर फेस का हो कुछ, या हेयर अदर भी चैलेंज वगैरह कुछ हो वो मैं आपको दिखाना चाहूँगी। अगर आपको कुछ ट्राई करना है एंड आप बता सकते हैं, मुझे लिंक शेयर कर सकते हैं उस वीडियो का या किसी भी उसका, सो मैं ट्राई करूँगी वो बना के आपके लिए शेयर करने का। एंड आप देख सकते हैं रिजल्ट कितना अच्छा है। एंड इसका एक कारण ये भी है कि आप अपने बालों पे भी थोड़ा ध्यान दें। एक्चुअली क्या होता है, आप हीट बार बार जो यूज करते हैं उससे आपके हेयर्स काफ़ी डैमेज होते हैं, तो प्लीज़ उन्हें उस डैमेज को रिकवर करने का भी टाइम दीजिए। एंड कभी कभी हीट मत कीजिए, अगर आप घर पे हो तो स्ट्रेट करना ज़रूरी नहीं है, आप घर पे हो एंजॉय करो यार, क्यों करना है स्ट्रेट। एंड वाई आप क्यों ब्लो ड्रायर घर पे यूज करते हैं, प्लीज़ बालों को थोड़ा सांस लेने दो, ऑयलिंग करो उनकी। एंड आप जितना उनको अच्छा फील कराएंगे वो उतना अच्छा आपको पे बैक करेंगे। ओके, आज के वीडियो में इतना ही। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज़ लाइक माई वीडियो, सब्सक्राइब एंड कमेंट।